ठीक है, कैसे हो आप सब? तो आपको पता है पबजी मॉल के अंदर अलग अलग कॉन्सेप्ट वाला आपको स्पिन देखने को मिलता है अलग अलग रीजन में। तो रिसेंटली पाकिस्तान रीजन में एक अलग कॉन्सेप्ट वाला स्पिन आया, जो कि आज हम लोग ये वीडियो में देखने वाले। और ये कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है वो भी हम लोग देखेंगे, और थोड़ा बहुत स्पिन भी कर लेंगे। जितना हम लोग पास यूसी है, 13 यूसी है, उसमें जितना स्पिन होगा देख लेंगे, एक ही स्पिन होगा मोस्ट प्रॉब्ली। चलो देख लेते हैं कि किस तरह का ये स्पिन है। तो इसमें हम लोग इवेंट में क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप देख पा समर लकी ड्रॉ नाम का ये इवेंट आपको दिखाई दे रहा है। एक्चुअली ये जो इवेंट है 20 तारीख को ही आ चुका है और 10 जुलाई को खत्म होने वाला। इसमें लोग गो में क्लिक करते हैं। सो जैसे कि आप देख पा रहे, ये न्यू पेज में रिडायरेक्ट हो चुका है। और इसमें आप देख पा रहे हैं नॉर्मल स्पिन भी आपको दिखाई दे रहा है। एक बार आप स्पिन करोगे तो 10 यूसी लगेगा, अगर आप 5 बार स्पिन करोगे तो 45 यूसी लगेगा। और कुछ आपको न्यू कॉन्सेप्ट जो देखने को मिला वो ये है कि इसमें आपको आइटम नहीं दिख रहा है, इसमें बोल सकते एक जैकपॉट वाला चीज़ जो आप देखते हो अलग अलग कैसिनो वाला रीजन में, उसी तरह का ये इवेंट आपको दिखाई दे रहा है। जिसमें आप देख पा रहे हो अगर आपको ये सीक्वेंस में कुछ आइटम मिलता है, जैसे मान लीजिए कि आपको तीनों जो आप देख पा रहे हो सेक्शन, तीनों में आपको क्रिस्टल मिल जाता है, तो आपको एक्चुअल में क्रिस्टल मिल जाएगा और वो आप रिडीम कर सकते हो। उसके बाद अगर आप देख पा रहे तीनों में हेडगियर आ जाता है तो आपको ये हेडगियर मिल जाएगा परमानेंट। अगर ये तीनों में वॉइस पैक आ जाता है तो ये वॉइस पैक आपको मिल जाएगा परमानेंट, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ओके, ये वॉइस पैक आपको परमानेंट मिल जाएगा। उसके बाद अगर तीनों में गोल्डन हेलमेट आ जाता है तो आपको ये 10 गोल्डन फ्रैगमेंट मिल जाएगा, जिसका यूज़ करके आप कुछ आइटम रिडीम कर सकते हो, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसके बाद अगर तीनों में रैंडम रैंडम अलग अलग आइटम आता है तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। और उसके बाद अगर दो जो आइटम है वो सेम और एक अलग रहेगा तो आपको 2 पॉइंट मिलेगा। इस हिसाब से इसका वर्किंग है। क्वेश्चन मार्क में क्लिक करके पूरा पढ़ सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया। तीनों का तीनों सेम रहेगा आइटम तो आपको वो चीज़ परमानेंट मिल जाएगा। वॉइस पैक तीनों सेम रहेगा तो वॉइस पैक परमानेंट मिल जाएगा। उसके साथ साथ तीनों क्रिस्टल रहेगा तो तीनों एक क्रिस्टल आपको मिल जाएगा। गोल्डन हेलमेट 3 आ जाएगा तो आपको 10 कॉइन मिलने वाला। वो जो कॉइन आपको मिलने वाला गोल्डन फ्रैगमेंट, उसका यूज़ करके आप ये शॉप से बहुत सारे आइटम ले सकते हो। 600 अगर आप पॉइंट कलेक्ट करते हो तो आपको ये वाला वॉइस पैक मिल जाएगा परमानेंट। उसके साथ साथ 150 पॉइंट अगर आप जमा करते हो तो आपको ये वाला वॉइस पैक मिल जाएगा परमानेंट। अगर आप 120 पॉइंट जमा करते हो तो आपको ये वाला आउटफिट मिल जाएगा परमानेंट। और उसके साथ साथ 5 कॉइन से आप एक क्रिस्टल रिडीम कर सकते हो। ऐसे करके आप 5-5 करके 20 क्रिस्टल आप निकाल सकते हो ग्रीन वाला। ये मुझे थोड़ा सा वैल्यू फॉर मनी लग रहा है, अब इसको बैक करते हैं फिलहाल के लिए। उसके बाद 144 पॉइंट से आप ये हेडगियर लेजेंडरी निकाल सकते हो परमानेंट। और 288 पॉइंट से आप देख पर ये भी लेजेंडरी आप निकाल सकते हो परमानेंट। 58 पॉइंट से आप देख पर ये हेडगियर मिल जाएगा, और 144 पॉइंट से आपको ये वाला आउटफिट मिल जाएगा परमानेंट। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। तो चलो हम लोग एक बार स्पिन करके देखते हैं क्या मिलता है। इसमें हम 10 यूज में देखते हैं और रैंडमली देख पा रहे कुछ भी हम लोग को मिल सके। एक इसमें वॉइस, तो आपने नोटिस किया कि तीनों में अलग अलग आइटम आ चुका है, इसी चलते हम लोग को एक ही कॉइन मिला। अगर दो में सेम सेम आइटम आता, मतलब ये वॉइस पैक और ये वॉइस पैक दोनों में आ जाता तो मुझे कम से कम 2 पॉइंट मिलता, और तीनों में वॉइस पैक आ जाता तो मुझे परमानेंट वॉइस पैक ही मिल जाता। ठीक है, तो इसी तरह के वर्क करेगा। अब इसका शॉप में कुछ है, एक क्रिस्टल से तो कुछ भी नहीं कर सकते। लोग को स्क्रैप डालना चाहिए था, नहीं तो वेस्ट ही हो जाएगा। ज़्यादातर लोग जो नहीं करेंगे उसी से तो वो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो इवेंट है मैं तो ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। इधर आप देख पाए इसका लॉगिन इवेंट का रिवॉर्ड आप कलेक्ट करते जाइए। ओके, और कुछ और तो कुछ इवेंट नहीं है। इसका लोकल सब एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, इसका लोकल साहब भी रिफ्रेश नहीं हुआ। चलो इतना ही रखते हैं वीडियो का। होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। एक न्यू कॉन्सेप्ट वाला मुझे स्पिन देखने को मिला, इसलिए मैं सोचा कि चलो कवर कर देते हैं। इस तरह का पहले मैं कॉन्सेप्ट वाला स्पिन नहीं देखा था गेम के अंदर। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ नाइस डे। टेक केयर, बाय बाय।